तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन मॉन्क वेब ब्लॉग्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा डोलिया थीम पार्क एक साल पहले बन के रेडी हो चुका था तो किसी कारणवश ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, तो अब जाके उसको ऑपरेट करने की जो पहल करी है श्री गणेश एडवेंचर वालों ने, तो काफ़ी अच्छे ढंग से इसको मेंटेन किया है और कुछ नई नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी है अंदर, जो कि एक अट्रैक्शन पॉइंट बन रही है पौड़ी वालों पे। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ पे नई चीज़ ऐड ऑन हुई है और क्या क्या चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं। दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था लेकिन मैं जा नहीं पाया था, तो मेरे को थोड़ा सा खुला चाहिए था, खुला खुला जिसमें कम लोग हों थोड़ा और मैं वीडियो आराम से बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो कल मेरे को ऐसा मौका मिला था, कल मैं गया था, कल मैंने वो वाली वीडियो बनाई। तो देखिए इस वाली वीडियो को और इन्जॉय करिए। जो लोग पौड़ी में रहते हैं वो भी इन्जॉय करिए, जो लोग पौड़ी में नहीं रहते बाहर रहते हैं वो भी इन्जॉय कर सकते हैं। जिनको पौड़ी की याद आ रही है तो उनके लिए वाली वीडियो ज़्यादातर मैंने बनाई है ताकि वो लोग पौड़ी को मिस करते हुए पौड़ी को इन्जॉय भी करें। तो चारू बताएंगे यहाँ की फीस कितनी है और क्या प्रोसेस है अंदर जाने का। ये लो हम आ गए। यहाँ की फीस है पर बंदा या बंदी 5 रुपए, ओके। और आपको 5 रुपए के बदले पैंट मिलेगा, तो सो आपको कोई मतलब जैसे आपको कोई पकड़ लेता है, कोई पकड़ लेगा जैसे बिना बैंड के आ गया, तो इसलिए वो सिक्योरिटी के लिए। चलो अभी अंदर जाके दिखाएंगे ना गए हैं कि नहीं गए हैं। ओके तो एंट्री के सामने ये वाले बैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इसकी कॉस्ट अभी तो 5 रुपए है। खुद ही पहनने हैं, अलाउड नहीं होता, नहीं पहनेंगे, पहनेंगे खुद ही पहनाओगे आप पहनाओ। ये बैंड है और जग्गी ने ले लिया है, इसमें लिखा है गोल्डन बेल कंडोलिया पार्क पौड़ी। ओके, ओहो नाम गोल्डन बेल है। अच्छा तो इस पार्क का नाम आप थीम पार्क नहीं है, गोल्डन बेल है, कंडोलिया पार्क पौड़ी। ओके यार, हमारे वाले टाइम पे तो कैसे होते थे, जंक लगा रहता था। हां हमारे वाले में जंक लगा रहते थे, हमारे वाले में।
तो ये वाला पार्ट है, इसमें अभी पानी भरा नहीं है, तो इसमें पानी भरेगा अभी बरसात में, तो नेचुरली भर जाएगा। लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे शूट अच्छा हो सकता है ना, प्री वेडिंग शूट भी अच्छा हो सकता है यहाँ पे। और ये देखिए इसमें ब्रिज है सामने, इसमें पानी भले ही नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे अगर फाउंटेन लग जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा हो चुका है पार्क, पहले से बेटर है और इंगेज ज़्यादा हो रहे हैं लोग इस टाइम। तो होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे बॉडी के बारे में। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।